मैं हूँ द्वारका। अभी इस वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। टैरो में से लेंगे 7 कार्ड्स, ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस, साथ ही साथ लेंगे 1 लव मैसेज। तो शुरुआत करते हैं हम कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन किसी की मदद कर रहा है और किसी की मदद और भी ज्यादा करना चाहता है, वैसे ही शायद ये जो पर्सन है वो आपके बारे में सोचते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत हेल्पफुल पर्सन है। जहाँ कभी भी आपको लगता है कि आपकी मदद की जरूरत है या यहाँ पे आप अपनी तरफ से कुछ किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी पीछे हटने वाले पर्सन है नहीं और ये आपकी क्वालिटी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और जैसे यहाँ पे लिब्रा का साइन है आपका या उनका साइन हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही पर्सन मेरी जिंदगी में चाहिए मेरा साथ देने के लिए, ताकि मेरी जिंदगी में बैलेंस आ जाए। तो आपके काइंडनेस के ऊपर ये पर्सन काफी ज्यादा फिदा है, मतलब उन्हें बहुत अच्छी लगती है आपकी ये क्वालिटी कि आप हर किसी की मदद करते हैं बिना उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए हुए, यानी कि निस्वार्थ भाव से आप अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं या देती है, जिसको लेके ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन कितना अच्छा है। फिर है नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये बैठा हुआ है अपने सिंहासन पे, पीछे की तरफ एक बड़ा सा महल कह सकते हैं आप, फिर भी एक ख्वाहिश के बारे में सोच रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन शायद अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब घर है, घर वाले अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल को लगता है कि मेरी ये विश पूरी होनी चाहिए और वो विश कब पूरी होगी। जैसे यहाँ पे पेंटेकल्स का पहले ही कार्ड हमें मिला है, जैसे 6 ऑफ पेंटेकल्स है वैसे ही यहाँ पे भी पेंटेकल है। तो अगर पहले कार्ड में आपको लेके कुछ सोच रहे हैं तो शायद ये पेंटेकल की विश भी आपके लिए ही है। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी ये पर्सन अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, हाथ में एक कप है और सोच रहा है कि मैं अपने प्यार का कप कैसे ऑफर करूंगा। तो वैसे ही रोमांटिक जज्बातों से भरा भी उनका दिल है और आपको लेके काफी कुछ रोमांटिकली भी सोच रहे हैं, यानी कि राइट नाउ भी अगर आपके साथ बातचीत नहीं हो रही फिर भी हो सकता है आपकी तस्वीर देख के कुछ सोच रहे हैं या फिर आपके ख्याल को दिल में महसूस करते हुए कुछ सोच रहे हैं, लेकिन रोमांटिक जज्बात है। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। शायद ये अपने घर वालों में किसी से कुछ आपके बारे में शेयर कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी हेल्प लेके शायद ये एज सुन एज पॉसिबल अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा घर वालों का सपोर्ट ले रहे हैं या फिर उनका सपोर्ट लेने के बारे में कोशिश थी कुछ सोच रहे हैं। फिर है द मैजिशियन, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलवा दे। जैसे ये पर्सन यूनिवर्स से कुछ मांग रहा है ये ऐसे पता चल रहा है। सामने कप है, पेंटेकल है, सॉर्ड है और बैंड भी है, यानी कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं।
आपके लिए अगर जरूरी है तो आपके घर वालों से या खुद के घर वालों से भी बातचीत करना चाहते हैं। और ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको पाना यही उनकी विश है, जो पेंटेकल रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ ये कप रिप्रेजेंट करता है आपसे वो प्यार करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि यूनिवर्स आप दोनों की हेल्प करे। फिर है द लवर्स, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप एंजल क्लियरली प्रेजेंट है और ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि प्यार तो आपके भी दिल में है और इनके भी दिल में है, लेकिन दूरियां हैं। जैसे ये दोनों नेकेड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा सोच रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि नो हाइडेंसिंग। उन्हें ऐसा लगता है आपने अपनी जिंदगी का कोई भी सच उनसे नहीं छुपाया है और इन्होंने भी अपनी तरफ से वैसे ही करने की कोशिश की है, जो जैसा है अपनी तरफ से, मतलब घर वाले अच्छे हैं या फिर किसी का कुछ मूड वगैरह चेंज रहता है, करियर में क्या अप्स एंड डाउन है, सब बातें एक दूसरे को बता चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी है। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं एंजल के ऊपर भी भरोसा है कि आप दोनों को वो मिलवाने में जरूर हेल्प करेंगे। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं घोड़े पे सवार होके ये पर्सन अपना प्यार का कप लेके आगे की तरफ जाने के बारे में सोच रहा है, यानी कि आपसे शायद मिलने के बारे में सोच रहे हैं। और काफी वक्त से शायद अगर आपसे मिले नहीं है तो मे बी आपको कोई रोमांटिक बात ऐसी कहना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको पता चले कि इतने दिनों में इन्होंने आपको किस तरह से मिस किया। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ओहो, ये कार्ड क्या कह रहा है ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं। लिपकिस की बात उनके दिलो दिमाग में आ रही है, यानी कि ये तो हम समझ ही सकते हैं कि ये अगर प्यार दिल में फील कर रहे हैं तो वो मैसेज सेंड करके भी कह सकते थे कि आई मिस यू। लेकिन अगर बात लिपकिस की है तो वो मैसेज के जरिए कैसे मिल पाएगा इन्हें, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रोमांटिकली आपके बारे में सोचते रहते हैं। फिर है एंगेजिंग, तो उन्हें दिन ब दिन लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है आप दोनों एक दूसरे के दिल में और ज्यादा एंगेज होते चले जा रहे हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में भी इस पर्सन की जो प्रायोरिटीज हैं वो बढ़ती चली जा रही है और इनके दिल में भी आपको लेके जो एहसास है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे में ज्यादा इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं और ये कनेक्शन जो है वो और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा है। उसी कनेक्शन की गहराई को लेके सोच रहे हैं, यानी कि सिर्फ ऊपरी तरफ से ये प्यार नहीं करते, दिखावा करने के लिए ये दिल से आपको अपना मान चुके हैं। Eyes that stare, तो कहीं ना कहीं इंतजार है, मे बी आपको भी इंतजार है इस पर्सन से मिलने का। अगर कुछ कमिटमेंट इशू था कि हम इस मंथ मिलेंगे या फिर अगले वीकेंड मिलेंगे तो वो मिलना शायद पॉसिबल नहीं हुआ है और उन्हें पता है कि आप भी बेसब्री से इनको मिलने के लिए इंतजार कर रहे होंगे और वैसा ही इंतजार इनकी आंखें कर रही है आपको देखने के लिए। फिर है इट्स माई नेचर, कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि इनका नेचर हो सकता है थोड़ा मूडी ज्यादा है, अपने मूड के मुताबिक कुछ करते होंगे। अगर वाटर साइन के है तो ये तो पॉसिबल ही है कि जैसे पानी का वहाँ बहता रहता है वैसे ही इस पर्सन का जो मूड है वो चेंज होता रहता है और उन्हें अच्छी तरह से लगता है कि आप समझते हैं कि ये उनका स्वभाव है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर है व्हाट यू मिस, तो क्या आपको भी उनकी ऐसी ही याद आ रही है जैसे इनके दिल में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं? क्या आप भी उनको मिस करते हुए ऐसा ही सोच रहे होंगे? ये ख्याल लेके वो कुछ सोच रहे हैं। फिर है लिसन माय वर्ड्स, तो भले ही खामोशी है, बात नहीं हो रही, लेकिन आपका दिल शायद आपको धड़कते हुए कुछ बोल रहा होगा, कुछ एहसास हो रहा होगा कि शायद मेरा पर्सन मुझे मिस कर रहा है या फिर वो राइट नाउ मुझे याद कर रहा है। तो ये खामोशी में छुपे वर्ड्स आप सुन ले, ऐसी उनकी ख्वाहिश है। फिर है गॉन अवे, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जो थोड़े बहुत दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थे वो अब धीरे धीरे सही लेकिन दूर होते चले जा रहे हैं और ये क्रेडिट देते हैं यूनिवर्स को। उन्हें यकीन है कि यूनिवर्स आप दोनों को जरूर मिलवाएगी। फिर है आई मिस यू, तो काफी ज्यादा मिस किया जा रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे भी हमें कार्ड मिला किंग ऑफ पेंटेकल का, ये भी बैठ के अपनी ख्वाहिश को लेके सोच रहा है। किंग ऑफ कप का मिला, ये भी कप लेके हाथ में सोच रहा है। फिर है द लवर्स का कार्ड और साथ ही साथ नाइट ऑफ कप भी है, जो प्यार का कप लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि ये मिस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है टाइम इज फ्रोजन, उन्हें लगता है वक्त जैसे थमसा गया है, जिंदगी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती चली जा रही, यानी कि अगर आप दोनों ने मिलने के बारे में कुछ स्पेसिफिक दिन डिसाइड किया है तो उन्हें ऐसा लग रहा है वो दिन कब आएगा
क्योंकि यह वक्त इतना धीरे धीरे नहीं बल्कि थमसा गया है। तो आप समझ सकते हैं एक एक सेकंड इस पर्सन को बहुत ज्यादा भारी लग रहा है और इसीलिए ये सोच रहे हैं कि कब आपसे मिलना होगा। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके। तो उन्हें पता है कि आपका कोई इम्पोर्टेंट काम हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप कॉल करते हैं या फिर टेक्स्ट करते हैं सिर्फ ये एहसास और ये सुकून पाने के लिए कि हाँ कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा पर्सन ठीक है। और ये जो आपकी बातें हैं, ये जो अदाएं हैं कि ज्यादा कुछ नहीं कहना, ना मैजिकल वर्ड्स, ना आई मिस यू, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, ऐसी लैंग्वेज शायद आपकी नहीं है, लेकिन ये पर्सन समझते हैं कि आपका कॉल या टेक्स्ट क्यों आया है, उसके पीछे जो फिक्र है उसको ये भली भांति जानते हैं। और इसी वजह से ही शायद पहला कार्ड जो हमें मिला था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके काइंडनेस के ऊपर, इसलिए शायद ये पर्सन फिदा है। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।